हेलो फ्रेंड, जैसे कि वीडियो का टाइटल एंड थंबनेल में आपने देखा होगा, मैं आज आपको इस तरीके की एडिट करना सिखाऊंगा और वो भी मोबाइल में। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, हो सके तो बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो मेरे भाइयों, आइए जानते हैं कि हम इस तरीके की पिक्चर अपने मोबाइल में हाई क्वालिटी 4K में कैसे एडिट कर सकते हैं और वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो आई तो उसके लिए सबसे पहले आपने फोटो रूम ऐप ओपन करना है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, इजीली वहां पर आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहां पर सिंपली स्टार्ट फ्रॉम फोटो पर क्लिक करना है, यहां पर स्क्रॉल डाउन करना है, अपने हिसाब से जो है अपनी पिक्चर को यहाँ पर ऐड करना है आपने, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपने पिक्चर को जैसे कि एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर इसको क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं मेरी जो पिक्चर है वो इसका बैकग्राउंड इजीली जो है रिमूव हो चुका है। सिंपली आपने इसको रिमूव करना है। बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद यहाँ पर आपने आ जाना है, जो आपने जो पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव किया होगा यहाँ पर आपने उसको ऐड करना है। यहाँ पर देख सकते हैं मैं इसको कर देता हूँ ऐड, अपने पिक्चर को यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैंने ये वाली पिक्चर जो ऐड करता हूँ यहाँ पर करता हूँ क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं इसको सिंपली अपने हिसाब से यहाँ पर लगा देना है। यहाँ पर आपने इसको करना है यहाँ पर कुछ इस तरीके से, यहाँ पर देख सकते हैं। आप अपने फ़ोटो को क्रॉप भी कर सकते हैं यहाँ पर, और मैं इसको करता हूँ थोड़ा सा क्रॉप। यहाँ पर करता हूँ क्लिक और यहाँ पर आपने इसका साइज़ जो है लगा देना कुछ इस तरीके से यहाँ पर। उसके बाद आपने सबसे पहले आ जाना है यहाँ पर स्टिकर पर क्लिक करना है। क्लिक करने पर यहाँ पर आपने आ जाना है, यहाँ पर आपने सर्च बॉक्स में टाइप करना है ब्लर बैकग्राउंड, एलिजिबल ब्लर VSK बैकग्राउंड। यहाँ पर आपने सर्च करना है, आपको ब्लर बैकग्राउंड अपने हिसाब से जो है आप मिल सकते हैं आपको। तो यहाँ पर मैं एक यूज़ करने वाला हूँ बैकग्राउंड, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये नीचे की तरफ पड़ा है तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको ईजिली मिल जाएगा। यहाँ पर यार थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ती है ना, तो यहाँ पर आपने ढूंढना है तो वो कौन सा ये रहा। यहाँ पर क्लिक करता हूँ मैं, क्लिक करने पर ये हमारा बैकग्राउंड है। यहाँ पर आपने इसको अपने हिसाब से यहाँ पर इसको यहाँ पर लगा देना कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर अपने लेयर पर क्लिक करना और यहाँ पर आपने इसको कुछ इस तरीके से कर देना। उसके बाद लेयर पर क्लिक करना, यहाँ पर देख सकते हैं बैकग्राउंड हमारा चेंज हो चुका है। सिंपली आपने कुछ नहीं करना, यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने इसका स्टिकर वगैरह जो आपने लगाने हैं यहाँ पर आपने क्लिक करना है। सोशल, तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सिंपली सोशल्स जो है टाइप किया। यहाँ पर देख सकते हैं आपको बहुत सारे सोशल मीडिया ऐप के लोगो वगैरह देखने को मिलेंगे। सिंपली आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं करता हूँ क्लिक, यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसको मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर अपने हिसाब से लगा देता हूँ। उसके बाद सिंपली बैग आना है, यहाँ पर आपने आ जाना है स्टिकर पर। स्टिकर पर यहाँ पर आपने सर्च बॉक्स में टाइप करना है कैमरा, यहाँ पर आपने करना है टाइप और कैमरा यहाँ पर देखने को मिलेगा। सिंपल या आपने अपने हिसाब से जो है इसका कैमरा वगैरह अपने फ़ोटो को अट्रैक्टिव देखने के लिए यहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर उसके बाद आपने आ जाना है यहाँ पर। उसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये वाला सिस्टम। इसको आपने इसका जो है आपको कुछ इस तरीके का आपकी पिक्चर बन जाएगी, ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा, हाई क्वालिटी में आपकी पिक्चर देखने को मिलेगी। सिंपली आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी आप जो करना चाहें तो कर सकते हैं। सिंपली मैं यहाँ पर इसको करता हूँ यहाँ पर सेव, यहाँ पर तीर वाले ऑप्शन पर करता हूँ क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पर थोड़ी देर बाद हमारे देख सकते हैं जो पिक्चर है वो हो चुकी है, सेफ हो चुका है। सिंपली आपने यहाँ पर आना है, उसके बाद आपने कुछ नहीं करना। सबसे पहले आपने आ जाना है यहाँ पर इनशॉट पर। आने के बाद यहाँ पर आपने इसको फ़ोटो पर क्लिक करना है, फोटो पर क्लिक करने का न्यू पर क्लिक करने और यहाँ पर अपना फोटो जो है उसको ऐड करना है। ऐड करने के बाद यहाँ पर आपने आ जाना स्क्रॉल डाउन करने क्रॉप पर आ जाना। क्रॉप पर आने के बाद यहाँ पर अपने हिसाब से ये वाला साइज़ आपने यह रखना है, ये वाला साइज़ रख के और यहाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा फोटो कुछ इस तरीके से बन के हो चुका है। सिंपल इसको करते हैं एक्सपोर्ट अपनी गैलरी में, यहाँ पर देख सकते हैं हमारी फोटो एक्सपोर्ट हो चुका है। तो यहाँ पर आपने सिंपली आ जाना है रैम नहीं है पर, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे डाउनलोड कर सकते हैं इसको भी। तो यहाँ पर सिंपली मैं इसको करता हूँ ओपन, फोटो को जहाँ पर ऐड करना है, ऐड करने के बाद यहाँ पर आपने क्लिक करना है, यहाँ पर इजीली आपने क्लिक करना है। यहाँ पर थोड़ी देर बाद आपने 30 सेकंड का ऐड देखना है। ऐड देखने के बाद आपका जो है रिमनी ऐप फुल HD क्वालिटी में 4K में कन्वर्ट कर देगी। तो सिंपली अब करते हैं स्किप। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं हमारा काम हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके का पिक्चर हमारी शूट बन चुके हैं, ये देखें। तो यहाँ पर अपने हिसाब से यहाँ पर अपने रैम ने लगा देना, यहाँ पर सिंपल इसको हम करते हैं यहाँ पर हुई है। उसके बाद हमने इसका निकालते हैं स्क्रीनशॉट। तो यहाँ पर मैं इसका स्क्रीनशॉट निकाल देता हूँ। निकालने के बाद यहाँ पर आपने आ जाना है बैक और यहाँ पर आपने जो है इनशॉट पर आ जाना है। तो मैं यहाँ पर इनशॉट पर आता हूँ, यहाँ पर क्रिएट न्यू पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको अपना जो है स्क्रीनशॉट देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने
यहाँ पर आने सबसे पहले इसको आपने करना है क्रॉप। यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये देखें, ये देखें आपने इसको कर देना क्रॉप। क्रॉप करने के बाद यहाँ पर थोड़ी सी एडजस्ट करना है, तो यहाँ पर आपने आ जाना है एडजस्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने सबसे पहले आ जाना है, यहाँ इसको 40% रख देना। उसके बाद यहाँ पर आपने आ जाना है, यहाँ पर आपने इसको रख देना है 35%, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो है कितनी अच्छी पिक्चर बन चुकी है, ये देखें आप। तो सिंपल अपने हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट कर सकते थे। यहाँ पर उसके बाद आपने यहाँ पर शेडो पर आना है, यहाँ पर इसके भी आपने यहाँ पर एडजस्ट करना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद हाईलाइट पर आना है, तो हाईलाइट आप यहाँ पर रख सकते हैं 15% पर। उसके बाद आपने यहाँ पर आना है, तो इसको आपने जो है 10% रखना है बस। उसके बाद सिंपली आपने यहाँ पर क्लिक करना है, और उसके बाद हमारी जो पिक्चर है वो बन के रेडी हो चुकी है। यहाँ पर देख सकते हैं, तो मेरे भाई ये बहुत आसान तरीका था, इसलिए आप भी अपने मोबाइल से बना सकते हो। तो मेरे भाई ये मैंने खास एडिट नहीं की, बस आपको एग्जाम्पल के तौर पर आपको एडिट करके दिखाई है, आप इससे भी अच्छी एडिट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक अल्लाह। इस वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा